और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर ही अपडेट है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं आजम खान, और कल कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत स्थिर है, लेकिन अब अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल और गिर गया है, उनकी तबीयत और ख़राब हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तमाम मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स के जरिए जो खबर आ रही है वो ये है कि डॉक्टरों ने अब आजम खान को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। आजम खान के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए खास डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गई है जो आईसीयू में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तो आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं, आईसीयू में अब एडमिट किए गए आजम खान। ये बड़ी खबर है, आईसीयू में शिफ्ट कर दिए गए आजम खान, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है और वो अस्पताल के कमरे में ही रहेंगे। वहीं आजम खान अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर आंकड़ेबाजी करने का आरोप लगाया है। कोविड को लेकर प्रदेश में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। वहीं तमाम समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। तो अपडेट ये है इस वक्त की कि आजम खान की तबीयत और बिगड़ गई है और उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि उनका परिवार भी चिंतित है। आजम खान के बड़े बेटे आज लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मेदांता अस्पताल लखनऊ में एडमिट, आजम खान का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। शिवपाल सिंह यादव ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, आजम खान की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है।